हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टोटल तीन स्टॉक को कवर करेंगे जिसका फ्यूचर ग्रोथ मुझे बहुत ही हाई लग रहा है। सारे कंपनी फंडामेंटल वाइज बहुत ही स्ट्रांग है और ये तीनों कंपनी की स्टॉक को लेकर खास बात यह है, सारे कंपनी का स्टॉक अभी गुड वैल्यूएशन में मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर पोर्टफोलियो में इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाए, मुझे लगता है बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी सारे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे और टेक्निकल के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे अगर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड। अपनी इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड। जस्ट अभी शेयर प्राइस 1587 रुपीज में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। 1981 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। एक्चुअली कंपनी स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। LHB स्प्रिंग, हॉट कॉइल कॉम्प्रेहेंसिव स्प्रिंग एंड फॉर्जिंग आइटम फॉर वैगन, लोकोमोटिव एंड कार्गो। दोस्तों फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है वो रेलवे इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिया के अंदर जो फास्टेस्ट ट्रेन होता है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है, उस ट्रेन में यूज किया जाता है। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। पूरे रेल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस ही जो है वो रेल सेक्टर में है और जिस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड, इसका रेल सेक्टर का पूरी तरह से प्रॉक्सी प्लेयर है। अगर रेल सेक्टर ग्रो करेगा, रेल इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ये कंपनी भी ग्रो करता ही जाएगा। मतलब आगे का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड का फंडामेंटल देखिए, जस्ट अभी 600 करोड़ का कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी आप कह सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में मुझे बहुत मैसिव लग रहा है, इसीलिए मार्केट साइज इसका बहुत इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर। एंड 48 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड। ईपीएस की बात करो 33 चल रही है। डेट कुछ है नहीं बैलेंस शीट में। 100% जीरो डेट कंपनी है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.04, इसलिए 100% जीरो डेट कंपनी कंसीडर करके चल सकते हैं। प्रोमोटर के पास 51% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। 3 साल का एवरेज रिटर्न कंपनी का 78% और 5 साल का एवरेज रिटर्न 49%। मतलब रिटर्न का बारिश हो रहा है फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड के अंदर। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। मतलब फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में जान लेते हैं कि टेक्निकल क्या बोल रहा है। देखिए टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। मतलब काफी दिनों से कंपनी ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं आप लोगों के सामने इधर में वीकली टेक्निकल चार्ट लगाया है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बात हो रही है इसलिए वीकली चार्ट ही लगाया है। और वॉल्यूम के अंदर लगातार हाई बिल्डअप हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है साफ साफ। लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको स्टॉक इस लेवल पे, मतलब 1428 इस लेवल पे अगर मिल जाता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड में धीरे धीरे करके एवरेज आउट करके भी आप एंट्री ले सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल है इस कंपनी। अच्छी तरह से स्टडी करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। इंडिया लीडिंग प्लेयर है सेनको गोल्ड लिमिटेड। गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी शेयर प्राइस 1039 रुपीस के अंदर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। ईस्टर्न जोन में कंपनी का पूरी तरह से मैक्सिमम मार्केट शेयर एक्वायर है। सेनको गोल्ड लिमिटेड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। एक बहुत बिग रिटेल प्लेयर है ज्वेलरी सेगमेंट में सेनको गोल्ड लिमिटेड, और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी सेनको गोल्ड लिमिटेड बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन के अंदर मुझे लग रहा है चल रहा है। चलिए एक बार फंडामेंटल जान लेते हैं। देखिए मार्केट कैप कंपनी का सिर्फ 8000 करोड़ का है। पूरे पैन इंडिया बेस कामकाज करता है, इसलिए मार्केट साइज बहुत इंक्रीज हो सकता है। कंपनी का मार्केट साइज इधर से 30,000 करोड़ जा सकता है। स्टॉक का जो पी चल रही है 42 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और इस फील्ड में इस कंपनी बहुत ही सस्ता कामकाज कर रहा है। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, वो मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूं। देखिए इस फील्ड में कौन कौन कंपनी है, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स,
सेमको गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए, लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। टाइटन कंपनी का पी कितना 86, कल्याण ज्वेलर्स का पी कितना 78 और सेमको गोल्ड का कितना 42। मतलब टॉप थ्री प्लेयर्स के अंदर सेमको गोल्ड लिमिटेड अभी बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन के अंदर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एंड साथ साथ अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों की बात करूं तो डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 189 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 24 चल रहा है, कंसिस्टेंटली ईपीएस ग्रो कर रहा है, ठीक है। और डेट 1756 करोड़ का है, थोड़ा सा डेट हाई लग रहा है मुझे क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 को क्रॉस कर गया है। बट सेमको गोल्ड लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो टॉप नॉच मैनेजमेंट है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और हाई ग्रोइंग सेक्टर से आता है, इसीलिए थोड़ा बहुत डेट होने पर भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। प्रोमोटर के पास 68% शेयर है। देखिए प्रोमोटर भी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहा है, प्लेज्ड का कोई भी झंझट बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ और 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया है, 20% से ऊपर चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो 40% क्रॉस कर गया है, मतलब रॉकेट के स्पीड से सेमको गोल्ड लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। चलिए दोस्तों सेमको गोल्ड लिमिटेड का एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट इधर में क्या बोल रहा है, पूरी तरह से ऊपर ही जा रहा है। इधर में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, देखिए इधर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है दोस्तों। स्टॉक पूरी तरह से ऊपर पे बैठा है, ठीक है, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ऊपर गया है। देखिए इधर में एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ऊपर गया है और बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। अगर सेमको गोल्ड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो करेंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब अभी जो शेयर प्राइस चल रही है 1039, इस लेवल पे मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, सीएमपी पे बाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर में मेरा फास्ट टारगेट जो है वो 1200 तक शेयर प्राइस एक बार टच कर सकता है। और अगर आप धीरे धीरे खरीदना चाहते हैं तो सीएमपी पे बाई कीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एसआईपी। और अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है तो शेयर प्राइस अगर आपको 983 पे मिल जाता है तो उस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और भी नीचे आता है, शेयर प्राइस आपको 870 पे भी आता है तो आप उधर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एवरी गिरावट पे खरीदिए सेमको गोल्ड लिमिटेड को, एवरी ब्रेकआउट पे खरीदिए स्टॉक। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो साल में एक बार लगता है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा अगर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो। ये फायदा आपको मिलेगा और एक फायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गाइड मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली मार्केट अपडेट पाना चाहते हैं, मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म करेगा, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, क्या न्यूज चल रहा है, ठीक है, कौन सा सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, कौन सा सेक्टर आगे अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बनेगा, ये गाइड अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, बहुत बेहतरीन कंपनी है जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, अपने सेक्टर का एक लीडिंग प्लेयर है जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड। जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड एक्चुअली काम क्या करता है, कंपनी वाटर इंटेक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करता है, वाटर एंड वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशन लगाने के लिए जो इक्विपमेंट का नीड होता है वो सब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए वाटर ट्रांसमिशन लाइन, पावर, स्टील, सीमेंट, पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड अदर प्रोसेस प्लांट लगाने के लिए भी जो भी कुछ इक्विपमेंट का नीड होता है जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है। 100% ट्रेंडिंग सेक्टर से आता है, टेलविंड चल रहा है पूरे सेक्टर में क्योंकि ये जो पावर सेक्टर ये ट्रेंडिंग में है, वाटर ट्रांसमिशन, वेस्ट वाटर, ये इस सेक्टर में पूरी तरह से टेलविंड चल रहा है, इसलिए जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट कंपनी है, फंडामेंटल वाइज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं, मार्केट कैप सिर्फ 2800 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लगे, इसलिए मार्केट से जिसका 10,000 करोड़ जा सकता है।
42 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और इंडस्ट्री पी कितना 43, मतलब इंडस्ट्री पी से सस्ता पी तो अभी जस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड का मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से ऊपर चल रहा है। इस साल कंपनी ने 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करो 54 चल रहा है, ईपीएस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉफिट सस्टेन कर रहा है कंपनी का। डेट कुछ है नहीं, 80 करोड़ का डेट है, बहुत ही लो डेट कंपनी है दोस्तों, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे ही चल रहा है, 0.23 चल रहा है। प्रोमोटर के पास 49% से ज्यादा का शेयर है, प्लेस्ड 0.41, मतलब बहुत ही लो मात्रा में प्लेस्ड करके रखे, इसे आराम से आप कंसिडर कीजिएगा। रिटर्न 3 साल का 70% और 5 साल का एवरेज रिटर्न 82%। एवरी ईयर इन्वेस्टर का फंड ऑलमोस्ट 70% 80% से ग्रो हो रहा है। जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो इन्वेस्टर है वो पैसे दर में कमा नहीं रहा है, पैसा छाप रहा है। स्टॉक ग्रोइंग सेक्टर का स्टॉक है, एक स्मॉल कैप है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे लगता है ये रिटर्न का सिलसिला नेक्स्ट 5 ईयर्स तक बरकरार रहेगा। पास्ट डेटा ये कह रहा है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 20% से आसपास मिल रहा है कंपनी का डेटा। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है जस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड का। चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड का टेक्निकल देखिए, इधर में मैं 1 वीक का टेक्निकल चार्ट लगाया है, थोड़ा सा चार्ट छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, काफी दिनों से स्टॉक जो है वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है और इधर में कितना अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। देखिए वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो स्टॉक अदर इधर से स्टॉक का प्राइस अगर इस लेवल पे मिल जाता है, मतलब 2115 इस लेवल पे अगर मिल जाता है तो इधर पे फ्रेश एंट्री हो सकता है, अदरवाइज इस प्राइस पे भी एंटर कर सकते हैं, मतलब 1916 या 1900 के आसपास भी एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि इधर में एक सपोर्ट है और इधर में भी एक सपोर्ट है और इस जगह पर भी एक सपोर्ट है। देखिए ठीक है, ये दो लेवल में आप जेस इंजीनियरिंग लिमिटेड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज इस स्टॉक में आप धीरे धीरे करके एवरेज आउट लामसम इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हैं एवरी प्राइस। दोस्तों ये था तीनों स्टॉक जो कि बहुत बढ़िया है अपने अपने सेक्टर में, फंडामेंटल वाइज एंड टेक्निकल वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे कंपनी का ट्रेंड जो है प्राइस का ट्रेंड वो ऊपर ही जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को टेक्निकल में दिखाया है, फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही। बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बाय सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं एडुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें जो सेबी रजिस्टर्ड है। बट हां, अगर आप सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पाना चाहते हैं इस तरह, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज डीमैट अकाउंट का और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो साल में एक बार लगता है वो फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ये फायदा मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो। साथ साथ और एक फायदा दूंगा, इन्वेस्टमेंट गाइड मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूं, जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली मार्केट अपडेट पाना चाहते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कौन से सेक्टर में ऑलरेडी टेलविंड चल रहा है, कौन से सेक्टर आगे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बनेगा, अगर आप ये अपडेट पाना चाहते हैं कंटिन्यूअसली फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।